हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका बायो सेवर्ट नियम। कौन सा नियम? बायो सेवर्ट नियम। ये आपके इस चैप्टर जो हमने आपका स्टार्ट किया गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी इसके फॉर्मूले के बेस पे ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल और जो डेरिवेशन है वो इसी फॉर्मूले के बेस पे है। तो बायो सेवर्ट नियम को इंग्लिश में कहते हैं आपका बायो सेवर्ट लॉ। तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? पहला आपके बायो, दूसरा शेवर्ट। इन्होंने मिलके एक फॉर्मूला बनाया, उसी को नाम क्या दिया? बायो शेवर्ट नियम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसका फिगर देखेंगे और फिर जो इसका फॉर्मूला है उसको प्रूफ करेंगे। तो क्या बोला था, क्या किया था बायो शेवर्ट ने? सन 1820, सन क्या था? 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक क्या किया था? किसी धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आवेश मतलब कि जिसमें सुई को चिपकने के लिए या जो भी चीज चिपकने के लिए आवेश की जरूरत होती वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और धारावाही चालक, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था कि उसमें कौन सा काम हो सके? धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में संबंध के लिए एक नियम दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, उस नियम को नाम क्या दिया था? बायो तथा बायो शेवर्ट नियम। ठीक है, डेफिनेशन की बात हो गई, तो अब बात करते हैं इसके फिगर की, क्योंकि अगर आपने फिगर समझा तो आपके लिए पूरा फॉर्मूला प्रूफ करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। तो बात करें इसके फिगर की, तो ये एक फिगर है, इसमें हमने क्या किया, ए बी एक तार लिया है। क्या किया है? ये जो तार की लंबाई है वो आपकी ए बी है। ठीक है, इसमें जो बहने वाली धारा है भाई, अब जो जब तार है तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, कुछ ना कुछ धारा बहेगी। तो क्या होगा, इसमें जो बहने वाली धारा है वो आपकी आई है, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक अल्पांश लग रहा है, एक अल्पांश अवयव, पूरे मतलब पूरा क्षेत्र जो है वो एल है, एल सेंटीमीटर, और इसमें कुछ एक छोटा सा क्षेत्र क्या है, अल्पांश अवयव हमने लिया है इसी तार पे, मतलब इस क्षेत्र को लिया है, उसका जो अल्पांश अवयव वो आपका डेल्टा एल है। इस तार के मध्य बिंदु को हमने ओ माना है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी है, जिस पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, जिस पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक तार लिया है जिसकी लंबाई है आपकी ए बी, नहीं तार का नाम हमने ए बी दिया है, और पूरे तार की जो लंबाई है वो एल सेंटीमीटर है, पूरे तार की लंबाई कितनी, एल सेंटीमीटर है, जिस पर हमने एक कोई पॉइंट लिया है जिस पे अल्पांश, जिसका अल्पांश अवयव क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एल हो जाएगा। इस तार के मध्य बिंदु हमने लिया है जिसको हमने ओ नाम दिया। ठीक है, तो ओ से आर दूरी पर हमें एक बिंदु है आपका पी, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब भाई बात करें, तार तो इधर ए है, ओ से आर दूरी पर हमने बिंदु पी लिया है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक कोण बन रहा है जिसको हमने थीटा कोण मान लिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि इस हम डेरिवेशन को कैसे कर सकते हैं, बायो सेवर्ट ने बताया क्या है। तो बायो सेवर्ट ने क्या किया कि माना किसी धारावाही चालक के अल्पांश डेल्टा एल द्वारा, ये आपका कोई चालक तार है जिसमें अल्पांश डेल्टा एल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यदि अल्पांश डेल्टा एल द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र आपका डेल्टा बी उत्पन्न हो रहा है, तो किसी बिंदु पी पर, तो हमें ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर ही तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पी पर क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है हम देखने वाले हैं। तो इसमें होता क्या, चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डेल्टा बी है वो आप इसमें चालक में बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो भाई चुंबकीय क्षेत्रों को हम किससे डिनोट करते हैं, आपके डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, तो अनुक्रमानुपाती का हो जाएगा, सिंपल सिंबल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का ऐसे सिंबल होता है। तो डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती, धारा चालक में बहने वाली धारा आई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हो गया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। तो दूसरा क्या, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है चालक के अल्पांश डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अभी तक क्या था, चुंबकीय क्षेत्र धारा आई के अनुक्रमानुपाती, अब क्या था, अब क्या है, डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है, इसका तीसरा पॉइंट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश डेल्टा एल तथा बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र आपका डेल्टा बी है,
अल्पांश डेल्टा एल से बिंदु पी को, अल्पांश जहाँ पे जो डेल्टा एल कार्य कर रहा है उससे बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा की जो ज्या है, ज्या क्या है, कोण, ये जो आपका कोण थीटा कोण बन रहा है इसके क्या होता है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट आपका कह रहा है डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार के मध्य बिंदु ओ से पी को मिलाने वाली रेखा आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले फिगर देखते हैं, तो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डेल्टा बी है वो चालक तार से के मध्य बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा जो पी तक मिला रही है, रेखा आर है इसकी दूरी, दूरी आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम तक हमने अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगाया था, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, अब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या करते हैं, जब बात हो व्युत्क्रमानुपाती की तो हम क्या करते हैं कि एक बटे में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए चारों चारों ये जो है समीकरण, ये आपका समीकरण एक दो तीन, ये आपका चार, समीकरण चारों, इन चारों को हम क्या करेंगे, सम्मिलित करने पे, क्योंकि इनका एक साइड जो है वो डेल्टा बी है, हम चारों को क्या करेंगे, सम्मिलित करने पर। तो सम्मिलित करने पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, क्योंकि सब में प्रोपोर्शनल लगा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई जब यहाँ पे आ रहा है प्रोपोर्शनल, तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बात करें म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या है, एक नियतांक, ये एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, 10^-7, 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला आपका निकल के क्या है, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या हो चुका है, आपका बायो सेवर्ट नियम का फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ये जो म्यूनॉट है, म्यूनॉट अपन फोर पाई, ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो अब इसका जो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आई होप आपको बायो सेवर्ट नियम समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।